व्यूअर्स, 30 रुपये में आप 160 किलोमीटर चला सकते हो। ये आई थिंक नॉर्मली किसी गाड़ी में नहीं नहीं, अभी मिलेगा। तक नहीं मिलता। नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई व्लॉग में। तो हम है मोबिलिटी मोटर्स, जो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी जो ऑटो है उसकी व्लॉग करने में स्वागत है सब लोगों का। प्लीज कम इनसाइड। नमस्ते जी। तो नमस्ते। हमारे साथ है सैयद। मेनली ये व्लॉग है जो थ्री व्हीलर ऑटो जो रहती है, जो नॉर्मल सीएनजी की चलती है। तो हम ये इलेक्ट्रिक जो ऑटो है सर जी, तो उसकी व्लॉग करने में है। तो इस शोरूम का और सारी डिटेल्स मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन में। तो फर्स्ट बात है, तो लेट्स स्टार्ट विद द व्लॉग। तो सर, ये गाड़ी पैसेंजर गाड़ी में आती है ना? कार्गो पैसेंजर है इसमें, कार्गो भी है, भी है और पैसेंजर भी पैसेंजर है। भी ओके, ठीक है। तो इसका आप बैटरी स्पेसिफिकेशन से स्टार्ट करिए सर। इसका बैटरी आ गया 8 किलोवाट आएगा। ओके, मतलब इसका माइलेज भी ड्यूरेशन अभी बढ़ गया है, पहले से 8 किलोवाट की बैटरी में माइलेज कितना देता है सर ये? पैसेंजर गाड़ी आपको अराउंड 160 तक आता है, वन वन चार्ज में। सिक्सटी 160 किलोमीटर्स तक आता है। व्यूअर्स सुन लीजिए, ठीक है। तो ये चार्जिंग का टाइम कितना लेता है सर? अभी इसको चार्जिंग का टाइमिंग भी कम कर गए, 2.5 आवर से 3 आवर के अंदर 100% चार्ज होता है, तो 2.5 आवर से 3 आवर पर 100% चार्ज हो जाता हो है। जाता है। ओके, तो 160 किलोमीटर चला सकते हैं वन फास्ट। हंड्रेड सिक्सटी किलोमीटर चला सकते सर, हैं। ये ARAI रेटिंग दिया हुआ है 160 किलोमीटर्स का, या कैसे है सर? हम लोग इसको प्रैक्टिकल हम फिजिकल प्रैक्टिकली टेस्ट किए हैं टेस्ट किए हुए और हैं, 3 पैसेंजर्स के साथ ही टेस्ट किए हैं। तीन पैसेंजर के साथ चेक करके हैं हम लोग, 180 तक इसका रेंज लेके हैं। अच्छा, तो सर जी बोल रहे हैं कि ऑलरेडी 180 का रेंज इनको मिल रहा है, तो थोड़ा बहुत आप डिटेलिंग मोटर का भी बता दीजिए सर। मोटर इसका 8 किलोवाट ही, मोटर भी 8 किलोवाट ही आएगा इसको। पुराना अच्छा ठीक है, 8 किलोवाट गाड़ी की। को 7.5 किलोवाट आता था, अभी हाँ इसको हाँ अपडेट करके। तो इस व्यूअर्स में, दर्शक आप, मैं बताना चाहता हूँ कि ये डोमेस्टिक मैक्स है। थोड़ा नजदीक आ जाइए, ये डोमेस्टिक मैक्स है। और एक मॉडल भी है जो बोल रहे हैं सर FX, जी, ये जो है FX है। ये FX 7. कितना किलोवाट का है? 7.5। 7.5 किलोवाट का, और ये है 8 किलोवाट का एट बैटरी। किलोमीटर जो सर, तब डिफरेंस कितना आएगा सर इसमें, इसको माइलेज उसको में? आपको 50 किलोमीटर डिफरेंस आता है, 50 किलोमीटर। फिफ्टी किलोमीटर डिफरेंस तो सर आई थिंक मेनली टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है ये गाड़ी, टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहा है, और इसका टायर वेरिएशन भी चेंज कर गया है। ठीक है। तो हमने बैटरी भी स्पेसिफिकेशन पूछ लिया सर जी से, और मोटर भी स्पेसिफिकेशन पूछ लिया, और मेन बात है कि कितना रेंज भी देता है सर। ये अभी आपने बता दिया कि कितना रेंज देता है, बट मेन प्रश्न व्यूअर्स का होगा कि कितना, 1 किलोमीटर जो है ना, एक चार्ज में कितना पैसे लेगा सर ये चार्ज होने में? एक चार्ज में आपको अराउंड इसमें आप 30 रुपीज के आसपास आता है। व्यूअर्स, 30 रुपये में आप 160 किलोमीटर चला सकते हो। ये आई थिंक नॉर्मली किसी गाड़ी में नहीं नहीं है, अभी मिलेगा। तक नहीं मिलता। पता, ये जो 160 किलोमीटर जो है, आई थिंक ये मैक्स है ना सर जी इसमें? नेक्स्ट ठीक है, हम गाड़ी को देख लेते हैं कि कैसे कैसे चलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद अ वॉक थ्रू। आ जाइए सर, मोटा मोटा आप बोल दीजिए कि गाड़ी का सब कुछ। क्या आनंद है वो, प्लीज वहां पे चले जाके देख लीजिए। ठीक इग्निशन ऑन कर रहा हूँ। है, ड्राइव मोड रिवर्स, थोड़ा सा सामने से ले लीजिए, एक सेकेंड। ड्राइव मोड है ये, हाँ रिवर्स में न्यूट्रल, एफ एफ मींस फॉरवर्ड, बूस्ट में बूस्ट, बी मींस बूस्ट रहा है, थोड़ा टॉर्क ज्यादा देता टॉर्क है ज्यादा कि देता है, लोड ज्यादा घसीटे। रिसीट है। ठीक है, हाँ। अच्छा इधर ठीक है आपको सिंबल्स दिख जाएगा, सर, इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में भी चेंज हो रहा है अगर आप न्यूट्रल से फॉरवर्ड चेंज करते हैं तो ये एक चीज रिवर्स ये है, है। और एक आपको बताना चाहता हूँ कि 94 जो दिखा रहा है वो ओडोमीटर का ऑडोमीटर है, मोटर है, और वो 0 दिखा रहा है वो जो स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर है, ठीक ये है, बैटरी का है, ये बैटरी फुल दिखा रहा है तब। फुल नहीं है, अभी 4% दिखा रहा है, अभी ठीक ये है, चार्ज होना ये है। एक पॉइंट और चार्ज होना हाँ, चाहिए, और मतलब 20% चार्ज और बाकी है चार्ज बाकी होने में। सर और थोड़ा फीचर्स बता दीजिए जो दिखा रहा है वहां पे। इसके अंदर आपको इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स भी आता है, सो वंस यू चेंज द इंडिकेटर्स, यहाँ पे सर, यहाँ पे दिखा दीजिए। सो
तो इंडिकेटर्स चेंज करने पे भी वहाँ पे दिखा देगा, उधर दिखा रहा है। ठीक है, एक्चुअली व्यूअर्स मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि गाड़ी ऑलरेडी ऑन है और 0% नॉइज है, 0% साउंड है, यहाँ पे गाड़ी चल सकता है। और ये क्या है सर जी, ये सब बता दीजिए, हैंड ब्रेक कहाँ पे है और सब कुछ। एक सेकंड मैं ही आ जाता हूँ, वन सेकंड सर। ये हेडलाइट स्विच, तो ये है हेडलाइट स्विच, ठीक है, और ये वाइपर है और ये हजार्ड बटन है, ठीक है। ये ग्लव बॉक्स के लिए की भी दिया गया है, ठीक है, तो ये भी बता देंगे। तो गाड़ी ऑफ करना चाहिए क्योंकि और एक की आपको स्पेयर की यहाँ पे मिलता है, कीज आप देख सकते हो, स्पेयर की आपको मिलता है, तो आप क्लब बॉक्स भी ओपन कर सकते हो, काफी है क्लब बॉक्स, ठीक है। तो ये हमने देख लिया, और ये है हैंड ब्रेक, तो ये यूजुअली हो गया एक्सेलरेशन थ्रोटल, थ्रोटल। और सर आई कनेक्ट के बारे में भी थोड़े देर में आप बता दीजिए कि कैसे चलता है ये। और ये है हमारा ब्रेकिंग सिस्टम, तो ये हो गया मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे नजदीक आ जाइए कि यहाँ पे 12 वोल्ट की चार्जिंग सप्लाई भी दिए हुए है। तो 12 वोल्ट का बैटरी कहाँ पे है सर? इधर। अच्छा ठीक है, तो 12 वोल्ट का बैटरी नीचे यहाँ पे है, ठीक है। तो इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन क्लस्टर में और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि आप देख सकते हो रिवर्स न्यूट्रल फॉरवर्ड और ब्रेकिंग, ठीक है। तो और थोड़ा यहाँ पे जो बैटरी प्लग इन करते हैं यहाँ का दिखा दे रहा है चार्जिंग, चार्जिंग प्लग करने के बाद ये सिग्नल ऑन हो गया, व्हीकल ऑन नहीं होता, ठीक है। फॉर सेफ्टी पर्पस ओके। दूसरा है कि ये ब्रेक ऑयल का सिंबल है, अगर ब्रेक फ्लूइड कम हो गया तो उधर सिंबल दिखा देता आपको। और एक चीज बताना चाहता हूँ व्यूअर्स, वन थिंग इज इसमें मेंटेनेंस में आई थिंक सिर्फ ब्रेक फ्लूइड्स और कुछ नहीं आता है आई थिंक। मेंटेनेंस में क्या कुछ आता है सर? मेंटेनेंस में कुछ नहीं आता, 3 इयर्स का गाड़ी का वारंटी रहता है पूरा, ठीक है। सर्विस टाइम टू टाइम ठीक से कराना है, ठीक है। चार्जर का 1 साल गारंटी रहता है, चार्जर का 1 साल गारंटी रहता है सर। हम अभी चार्जिंग स्लॉट और चार्जर का थोड़ा देख लेते हैं, चले सर, ठीक है, वो भी दिखा देते। तो आई थिंक यहाँ का सारा कुछ कवर है, ठीक है। तो चलते हैं, हम दिखाते हैं चार्जर को। तो वन थिंग इज सर, चार्जर के लिए की है क्या? चार्जर के लिए की का जरूरत नहीं, की का जरूरत नहीं है, और ऐसे ही खोल सकते हैं, और ऐसे ही खोल के यहाँ पे चार्जिंग कर सकते हैं। तो चार्जर भी दिखा देते हैं हम थोड़ी देर में, और आपको बैटरी दिखा देते हैं, यहाँ पे आ जाइए। तो ये है 8 किलोवाट की बैटरी जो लेती है 1.5 to 3 आवर्स में फुल चार्ज, फुल चार्ज होता है, ठीक है। 160 किलोमीटर का माइलेज देगा, 160 किलोमीटर का माइलेज देता है। तो इसको आपने ओपन किया इस नॉब से, ठीक है, इसको ओपन करेंगे, इसको डबल लॉक, डबल लॉकिंग सिस्टम भी आता है इसमें, ठीक है, ठीक है। तो और यहाँ पे भी आ जाइए, और पैसेंजर स्पेस भी हम दिखा देते हैं कि कैसे पैसेंजर स्पेस है। तो पैसेंजर के लिए यूजुअली जो ऑटो आता है तो उससे थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा, ज्यादा ही मिल रहा है, और पीछे का भी स्पेस बड़ा है। और एक बात मैं दर्शकों आपको बता दूंगा कि ये अंडर थाई सपोर्ट भी थोड़ा सा अच्छा ही मिला हुआ है यहाँ पे सर। ये डिटैचेबल है कुछ? हाँ, ये डिटैचेबल सीट्स भी आता है इसमें, और यहाँ पे भी थोड़ा कुछ स्पेस मिल जाता है जो रखने के लिए, थोड़ा लगेज कैरी कर सकते हैं, और लगेज के लिए। सर ये जो डोर दी हुई है ये दोनों आती है विद इन दी जो ऑन रोड की एक्सोरूम की प्राइस है उसके साथ आता है, और एक्स्ट्रा विद एक्सोरूम ही आता है। तो ठीक है, तो हमने मोटा मोटा सारा कुछ कवर कर लिया इस गाड़ी का, और एक बात है कि चार्जर दिखाना हम भूल गया, जो चार्जर दिखा देते हैं। और इसमें एडिशनल आपको जैक मिल जाएगा, ठीक है, जैक राइट व्हील का स्पेयर टायर मिलेगा सर एडिशनल, इधर है ना स्पेयर टायर यहाँ पे है, ठीक है सर। इसका टायर का डिटेल्स बोल दीजिए, इसका आके 120 120 का है, तो 12 इंच का टायर मिलता है उसको, और सिंगल सस्पेंशन में आता है ये गाड़ी, सिंगल सस्पेंशन सामने वाला। तो ऐसे मिलता है इसके साथ चार्जर का किट भी सर, इसमें चार्जर का किट मतलब अलोंग विद द बैग और चार्जर मिलता है। और इसका कितना वारंटी है सर? इसका 1 ईयर वारंटी, तो 1 ईयर का वारंटी भी है। और सर बता देंगे कि कैसे चार्जिंग करना है, इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, नंबर लिख के रख देते हैं, मिसमैच भी नहीं होना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये चार्जर अगर आपके पास घूम गया, ठीक है, तो दूसरे कस्टमर के पास चला गया, तभी हमारे पास ये सिस्टम में अपडेट रहता है, आपको वापस मिल जाएगा। तो दर्शकों को मैं बता दूंगा कि यहाँ पे देख सकते हो आप
3 किलोवाट और 48 वोल्ट का जो सप्लाई दे सकते हैं, और इसका बार कोड इनके पास रहेगा, अगर ये घूम गया तो भी इनको पता चल जाएगा कि कैसे सिस्टम में पता चल जाएगा। सर इसका पिन आप डाल के दिखा दीजिए गाड़ी में कि कैसे चार्जिंग होता है, आ जाइए। तो ये है, सो इसको डिटैच नहीं कर सकते सर, ऐसे ही रखना है, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ऐसे करते हैं, मतलब बारिश वारिश गिरेगा तो थोड़ा बहुत सेफ्टी रहेगा इसमें, तो ये डाल के दिखा दीजिए सर। इसको कुछ आसानी से प्लग कर सकते हैं आपको, ठीक है। हाँ हाँ, ये हाफ कट दिख रहा है ना इधर से, तो थोड़ा आगे आ जाइए, तो यहाँ पे हाफ कट जो है तो इसको अंदर डालना है बस, सिर्फ उधर पे हाफ कट आएगा आपको, ठीक है ठीक है, मिलाना बस, ओके। और उसको चार्जर में डाल देना है सर, और पावर में डाल देना है, और इसमें इसका लाइटिंग बता दीजिए सर, क्या लाइटिंग है, मतलब इसमें ऑन होता है, इसको पावर लगाता हूँ, ठीक है, इसको इसमें, हाँ हाँ ठीक है, इधर से लेंगे, हाँ इसमें प्लग में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ऑन करने के बाद इधर पे आपको लाइट ऑन होगा पावर सप्लाई का, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सप्लाई ऑन है और लाइट भी आ रहा है, और लाइट यूजुअली यहाँ से कोई ब्लिंक, हाँ हाँ इंडिकेटर भी है, तो यहाँ आ जाइए, तो ये कैसे इंडिकेटर, चार्जर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, सेंटर लाइट ब्लिंक होना शुरू होगा और फैन ऑन हो जाता है, हाँ आ जाइए सर। तो फैन ऑन होता है, एक बात है फैन ऑन होता है, और ये ब्लिंकिंग शुरू होता है, ब्लिंकिंग शुरू होता है जो चार्जिंग हो रहा है, ऐसे इंडिकेशन है, ठीक है, तो ये एक बात हुए है, और जब चार्ज कंप्लीट हो जाता है तो ऑटो कट होता है, ऑटो कट होने के बाद इधर पे एक लाल लाइट, लाल बत्ती जलेगी, ठीक है, लाल लाइट आ जाएगा, लाल लाइट आता है जब ऑटोमेटिक फैन भी रुक जाएगा, ऑटोमेटिक फैन भी रुक जाएगा। सर अगर ये पावर सप्लाई कुछ फ्लक्चुएशन है या कुछ पावर कट हो गया तो ऑटोमेटिक वही ऑफ होके अगर पावर आ गया तो ऑटोमेटिक वो ऑन हो जाएगा, ऐसा ही कट ऑफ, इसके अंदर हम लोग सेफ्टी पर्पस देके है, इधर कैन बोर्ड बोल के आएगा, ठीक है, इसमें सेफ्टी रहता है, ठीक है, तो इनकेस इसमें पावर फ्लक्चुएशन हो रहा है तो ये क्या करता है, इसको चार्जर को स्लिप मोड में डाल देता है, ठीक है। तो ये हुआ आपका चार्जर, जो चार्जर अलोंग विद द गाड़ी, मतलब गाड़ी के साथ मिलता है ये, ठीक है। तो आई थिंक हमने सारा डिटेलिंग हमने देख लिया इस गाड़ी का, यहाँ पे आ जाइए। तो मेन चीज है कि इस गाड़ी का कि 160 किलोमीटर का माइलेज देता है ये गाड़ी जो बोल रहे हैं ये, और इसका ARAI टेस्टेड भी है बोल रहे हैं, और विथ 3 पैसेंजर्स बोल रहे हैं, और सोच लीजिए 30 रुपए में आकर आपको 160 किलोमीटर्स का रेंज मिलेगा, तो कौन ये गाड़ी नहीं लेगा, ठीक है। तो हमने इस गाड़ी का तो सब ब्लॉग कर लिए, तो और एक गाड़ी जो है आपका वो कार्गो गाड़ी है, कार्गो गाड़ी, तो कार्गो गाड़ी को थोड़ा देख लेते हैं, चलो सर जी। ये गाड़ी है विथ कार्गो, विथ कार्गो स्पेस है, कार्गो स्पेस है, और एक चीज मैं बता दूंगा कि ये गाड़ी थी FX, ये गाड़ी थी लॉन्ग रेंज की जो पैसेंजर वाली गाड़ी है, और ये गाड़ी जो है इलेक्ट्रिक FX मैक्स है, मैक्स बोल के गाड़ी है, और ये जो है कार्गो वाली गाड़ी है। तो फर्स्ट मोस्टली डिटेलिंग जाने के पहले आपको कार्गो स्पेस दिखा देंगे, प्लीज आ जाइए। तो ये है 6 फीट का कार्गो स्पेस इसमें आता है, 6 फीट का आएगा इसमें, और सर मेन बात ये है अगर हम इसका कैपेसिटी से बात करते हैं, सर इसका कैपेसिटी क्या है, इसको आप 800 से 1 टन तक डाल सकते हैं, 800 kg तक तो डाल सकते हैं ना, डाल सकते हैं, और अगर इतना 800 kg इसमें बैठेगा तो फर्स्ट पॉइंट यह है कि इसका बैटरी कहाँ पे बैठा है सर, इसका बैटरी आके आपको सेंटर चार्जर में आएगा अंदर, इसके नीचे, अच्छा सेंटर चार्जर की ये पॉइंट में आ जाएगा आपको बैटरी, इधर नीचे से दिख जाएगा आपको, उधर से इधर से दिखता है, सो यहाँ आ जाइए और यहाँ से देख दिखते हैं जो सेंटर चैसिस जो है उसके ऊपर है, ऊपर है, ठीक है, तो कोई भी लोड गिरने का कोई लोड गिरा है ना उसके ऊपर, उसके ऊपर कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, इवन पानी तक उसके अंदर पानी से भी बच के रहता, ठीक है, तो उसका कोई IP रेटिंग कुछ होगा, मतलब सेफ्टी के लिए कुछ तो रेटिंग होगा सर, मोटा मोटा आप डिटेलिंग में आ जाते हैं कि 800 kg तक तो हम वेट डाल सकते हैं, तो ये है, और ये विद कैरियर है कार्गो का, और विदाउट कैरियर की कार्गो का भी गाड़ी में दिखा दूंगा, PU एंड प्लेटफॉर्म, तो ये जो है प्लेटफॉर्म की गाड़ी है, तो इसके ऊपर आप कार्गो के लिए स्पेस बना सकते हैं सर, यहाँ से ले लीजिए,
यहाँ से, तो ये वो था। और सर इसका अभी डिटेलिंग में चलते हैं, तो सर इसका कितना किलोवाट का बैटरी है? सर इसका आ गया 8 किलोवाट से आएगा बैटरी, सेम 8 किलोवाट की बैटरी आएगा। और इसका रेंज कितने में आएगा सर? 140 तक आता है, 140 तक विद लोड आता है। प्रॉबेबली मोटा मोटा रेंज थोड़ा ज़्यादा कम हो सकता है क्या सर? मतलब लोड ज़्यादा हुआ कम हुआ तब? रेंज को तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ हाँ, रेंज तो उतना ही आएगा सर। इसका अभी इंटीरियर स्पेसिफिकेशन के पहले हम टायर से शुरू कर लेते हैं, इसका टायर का डिटेलिंग बोल दीजिए सर। सेम 120/80 R12 आएगा, इसका भी R12 ही आता है, R12 का टायर है। सो लेट्स गो इनसाइड का, इनसाइड का डिटेलिंग थोड़ा देख लेते हैं, आ जाइए। पूरा सेम ही आएगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है इसका, ठीक है। तो मतलब उस गाड़ी और इस गाड़ी से कोई भी चेंजेस ही नहीं है? कोई चेंजेस ही नहीं है। तो मैं फिर से आपको सिर्फ मोटा मोटा बता दूंगा कि यहाँ पे की दिया गया है, कि यहाँ है सेम की मिलेगा आपको, सेम आपको वैसे ही आपको रिवर्स न्यूट्रल फॉरवर्ड और जो बूस्ट का डिटेलिंग यहाँ पे दिया है ऑलमोस्ट सेम है। हजार्ड बटन है, वाइपर है, ये लाइटिंग का है, और आपको क्लब बॉक्स भी मिल जाएगा। तो मोटा मोटा सब कुछ सेम आता है। कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा है, 9.6 आएगा। मोटर कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि कार्गो का फैसिलिटी जो रखा है कार्गो के लिए ज़्यादा आता है। सर इसका जो मेन यूएसपी क्या है सर, यूनिक सेलिंग पॉइंट जो आई कनेक्ट का बारे में हम बोल रहे थे कि बताने के लिए? आई कनेक्ट का क्या है ये आप तो यहाँ आ जाइए सर, ये आपको डायरेक्टली रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे है ये, प्याजो मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्ट होकर रहेगा ये, ठीक है। आपको ऑनलाइन में ऑनलाइन कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब एप्लीकेशन के द्वारा भी आप कनेक्ट कर सकते हो इसको, और लोकेशन का ट्रैकिंग भी कर सकते हो गाड़ी का, लोकेशन ट्रैकिंग एंड एसओसी, गाड़ी कितना देर दूर चलेगा, बैटरी कितना बाकी है, आप उधर ही बैठ के चेक कर सकते हैं, गाड़ी के पास आने का जरूरत नहीं, ठीक है। तो और एक चीज है, इंस्टेड ऑफ शोइंग हियर कि कितना किलोमीटर बाकी आप चला सकते हो, अगर आप आई कनेक्ट ऐप डाउनलोड करोगे तो आप, मैं यहाँ राइट या लेफ्ट स्क्रीन में दिखा दूंगा कि आई कनेक्ट ऐप डाउनलोड करने से ना आपको कितना किलोमीटर्स और जा सकते हैं वो भी डिटेलिंग बता भी मिल जाएगा, और गाड़ी भी ट्रैक कर सकते हैं किधर है, मतलब लोकेशन का ट्रैकिंग भी कर सकते हो। तो मेनली ये गाड़ी का डिटेल्स, सारा डिटेल्स और ये लोकेशन का और ये स्टोर का लोकेशन का डिटेल्स मैं आपका डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। सर और कोई पॉइंट्स है क्या इसमें कवर करने के लिए? और कुछ इसमें कवर करने का तो कुछ भी नहीं है। ये गाड़ी में आप लेंगे तो अगर आपको पैसा बचेगा, इसमें डीजल का खर्चा या ऐसा पेट्रोल का खर्चा नहीं आएगा। तो ये बात बहुत अच्छी बोली आपने कि सर्विस मेंटेनेंस जीरो है, जीरो सर्विस, जीरो मेंटेनेंस है। और एक चीज है, अगर ये गाड़ी एक टाइम खरीदा जाएगा ना तो ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट के जैसे हो जाता है, उसके बाद में तो कुछ सर्विसिंग के लिए कुछ भी चार्जेस नहीं रहता, नहीं आता है। सर मैंने और एक प्रश्न पूछा था आपको कि वो जो पहले वाली गाड़ी थी उसके लिए आप बोल रहे थे कि 30 या 40 रुपए में पूरा का पूरा चला सकते हो और पूरा का पूरा चार्ज होगा, सर इसके इसमें कितना होगा? सर इसमें भी उतना ही चाहता सेम। अच्छा ठीक है, तो इसमें भी 30 या 40 रुपए में आप 140 किलोमीटर चला सकते हो विथ लोड ऑफ 800 kg का लगा के। तो टोटली ये था वीडियो बनाने की, इस वीडियो में हमने कवर किया वन इज दैट द मैक्स रेंज की गाड़ी जो यहाँ पे है डोमेस्टिक वाली पैसेंजर वाली, और एक जो गाड़ी है ये कार्गो वाली गाड़ी थी। सो मेनली हमने कवर किया इस गाड़ी का, और सारे डिटेल्स मैं दे दूंगा यहाँ पे, जो फिर से बोल दूंगा मैं, ये कस्तूरी नगर है मोबिलिटी मोटर्स, इनका सारा डिटेल दे चुका हूँ मैं। तो एंडिंग दिस ब्यूटिफुल ब्लॉग बाय सेइंग सायनारा। थैंक यू सो मच सैयद जी, थैंक यू इतना डिटेलिंग्स देने के लिए, थैंक यू, आपका सारा मैं डिटेल्स वीडियो में बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, वेट फॉर माई न्यू वीडियो वेरी सून, बाय।